सभी को बहुत बहुत जय हिंद और बहुत बहुत राम राम साथियों। सबसे पहले तो हम आप सभी आत्माओं को जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे YouTube व्यूअर्स, मेरे प्यारे, मेरे छोटे, मेरे नन्हे, मेरे मुन्ने, सभी भाइयों एंड बहनों और जो भी मेरे साथी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लगातार हमको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जिन बच्चों का भी नेवी का पेपर लगा है, उनको बेस्ट अप बोलना चाहेंगे। और उनके पेपर के नेवी, एयरफोर्स, इसके बाद मार्च में CGL और CHSL लगा है। तो तुम लोगों को ये हम एक ऐसी क्लास दे रहे हैं जो एक विद मतलब लॉजिक के साथ वर्ब, हम इस वीडियो में वर्ब पढ़ाएंगे। एक वर्ब का वीडियो हमने डाला है, ये वर्ब का 2 क्लास होगी, लेकिन ये एक मैराथन क्लास होगी। धरना मैराथन ज़बरदस्त क्लास होगी। इस क्लास में आप धारण आप लोगों को हम एक लॉजिक समझाएंगे, एक अप्रोच बताएंगे कैसे वर्ब में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम लोगों को करना चाहिए। वर्ब से रिलेटेड हम लोग इसमें वोकैब भी डिस्कस कर लेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस वोकैब बेस पर आते हैं। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर देखिएगा और साथ साथ में एक बार अच्छा सा मीठा सा प्यारा सा कमेंट जरूर मारिएगा, नन्ना सा बहुत ज़बरदस्त कमेंट मारिएगा, मज़ा आ जाए। लाइक का बटन दबाइएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्ब मैराथन, वर्ब की सेकेंड क्लास। देखते हैं इसमें आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है। हमने लिखा ही कंसल्टेड द डॉक्टर, ही कंसल्टेड द डॉक्टर एंड वॉज गिवेन and was given oral penicillin. He consulted the doctor and was given an oral penicillin. फिर हमने लिखा the level of the knowledge, the level of the knowledge, the level of the knowledge and expert skills and expert skills and expert skills are required for success in many avocations. For success in many avocation. फिर हमने लिखा the producer finally casted Ronaldo in the male lead. फिर मैंने लिखा some deeply moral men become
अमोरल। सम डीपली मोरल मैन बिकम अमोरल बिकम अमोरल व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स। इट कम्स टू द पॉलिटिक्स। इट कम्स टू द पॉलिटिक्स। तो फिलहाल में हमने ये चार क्वेश्चंस आपको लिखे हैं आपके बोर्ड पर, थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा। ध्यान रखना ये वर्ब जो है ना, वर्ब के साथ साथ आपको वोकैब भी सीखने का मौका मिलेगा। कैसे वर्ब के साथ हम वोकैब के बारे में सीखते हैं ये आपको आज हम बताएंगे। थोड़ा अच्छा सा दिमाग लगाइएगा, नन्ना सा प्यारा सा। अब देखो आपको थोड़ा डिस्कस कर दें। क्वेश्चन लिखा है पहला, ही कंसल्टेड द डॉक्टर एंड वाज गिवेन एन ओरल पेनिसिलिन। फिर लिखा द लेवल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपर्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन मैनी एवोकेशंस। थर्ड लिखा है द प्रोड्यूसर्स फाइनली कास्टेड रोनाल्डो इन द मेल लीड। और फोर्थ लिखा है सम डीपली मोरल मैन बिकम अमोरल, अमोरल बिकम अमोरल होगा बेटा, अमोरल नहीं अमोरल, अमोरल व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स। तो हमको लग रहा है सबसे पहले हम लास्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, जो चार क्वेश्चन लिखे हैं लास्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। फिलहाल में हम आपको बता दें इस सेंटेंस में एरर क्या है। एरर तो ये है कि आप मोरल से ई हटा दीजिएगा और मोरल कर दीजिएगा, मोरल से ई हटा दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा मोरल। बाद बाकी आप ये समझिएगा कि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, मोरल से हमने क्यों उठाया। अब आप धरना एक वर्ड मिलेगा आपको मोरल, इसका मतलब होता है एथिक्स। मोरल एक वर्ड मिलेगा इसका मतलब होता है एथिक्स, एथिकल एथिक्स होते हैं या एथिकल राइट्स होते हैं, एथिकल राइट नैतिक मूल मोरल। अच्छा मोरल मिलेगा आपको, मोरल ये एक एडजेक्टिव होता है, मोरल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, मोरल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, मोरल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। अब धारणा ये मोरल तो क्वालिटीज होती हैं, मोरल हमारा नाउन का भी काम करता है एडजेक्टिव का काम करता है, मोरल कॉन्फिडेंस होता है। फिर एक टर्म आपको मिलेगा और मुराल, मुराल का मतलब होता है वॉल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग पेंटिंग ऑन द वॉल, मुराल होता है वॉल पेंटिंग, मुराल होता है वॉल पेंटिंग। तो उस सेंटेंस में मोरल नहीं होगा, मोरल होगा क्योंकि कुछ मोरल पर्सन थे नैतिकवान। मोरल होता है कॉन्फिडेंस विश्वास। तो धरना वहाँ पर मोरल एथिक्स होते हैं, एथिकल राइट्स होते हैं, मोरल होता है कॉन्फिडेंस और मोरल होता है वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग मतलब दीवार पर की गई चित्रकारी, वित्तीय चित्र बोलते हैं, शुद्ध भाषा में लिख लेना अपना पुताई, हिंदी में बोलते हैं पुताई करना, आप दीवार पर पुताई करते रहे तो उसे मोरल बोलते हैं। और मोरल तो जानते हो तुम लोग, मोरल होता है कॉन्फिडेंस, मोरल होता है कॉन्फिडेंस। अब कैसे आपको एग्जाम में मिलेगा, जैसे हमने लिखा मोरल बूस्टिंग टॉक्स, मोरल बूस्टिंग टॉक्स। फिर एक बार मिलेगा पेप टॉक्स, मोरल बूस्टिंग टॉक्स पेप टॉक्स, एनर्जी पैदा करने वाली बातें। मोरल बूस्टिंग टॉक्स होता है पेप टॉक्स, एनर्जी पैदा करने वाली बातें, आपके अंदर जो एनर्जी पैदा कर दे उन ऊर्जा देने वाली बातें, जैसे आप लगे रहो इंडिया बोलते हैं, चक दे इंडिया बोलते हैं, वो मोरल बूस्टिंग टॉक्स होता है। तो मोरल मोरल और मोरल में अपना। अच्छा इसी में एक वर्ड और दिया है अमोरल, ध्यान अमोरल का मतलब होता है नाइ अ पर्सन हु डजंट थिंक राइट आर रॉन्ग, जिसको सही गलत से कोई मतलब नहीं होता है उसे बोलते हैं अमोरल।
अमोरल का मतलब होता है जिसको सही गलत से कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान। अमोरल का मतलब होता है जिस व्यक्ति को सही गलत से कोई मतलब नहीं। जिस भी वर्ड में ए लगेगा उसका होता है अनइन्वॉल्व। इसका सिनोनिम्स आता है अनइन्वॉल्व्ड, अनइन्वॉल्व्ड। अमोरल का एक सिनोनिम्स आता है अनइन्वॉल्व्ड, धारणा। जैसे हमने लिखा आप पॉलिटिकल, तो ऐसा व्यक्ति जिसको राजनीति से कोई मतलब ना हो उसे अपॉलिटिकल बोलते हैं। असेक्सुअल, जिसके सेक्सुअल एक्टिविटीज से कोई मतलब ना हो, इन्वॉल्व ना हो। तो ए वर्ड लगेगा तो इसका जो अनइन्वॉल्व टर्म होता है, ध्यानना, ए वर्ड जब लगेगा तो इसका जो मीनिंग होगा वो अनइन्वॉल्व टर्म होगा, अनइन्वॉल्व। अब देखो, द प्रोड्यूसर फाइनली कास्टेड रोनाल्डो इन द वुड। पहली बात तो ध्यानना, कास्टेड जो होता है ना ये सेम फॉर्म रहेगा कास्ट, ये वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमेशा सेम रहेगी। हम आपको बता दें कि कास्ट मिल जाए आपको कहीं, ओवर कास्ट मिल जाए, कास्ट ओवर कास्ट। हम आपको रफ कर रहे हैं फिर समझा रहे हैं, इसको रफ करें बेटा, अपना लिख लेना। इरा हमने समझा दी, कास्ट नहीं होगा कास्ट होगा। अब जो वर्ड मिलेगा कास्ट, ओवर कास्ट, ओवर कास्ट, फिर कास्ट, फिर कास्ट, फोर कास्ट, फोर कास्ट, कास्ट, ओवर कास्ट, 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 फोर कास्ट। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, फिर एक वर्ड मिलेगा ब्रॉडकास्ट, कास्ट, कास्ट, फोर कास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। इस प्रकार के टर्म मिलेंगे। धारणा, कास्ट वर्ड किसी में भी लग जाए, किसी में भी लग जाए, उसकी जो वर्ब्स की फॉर्म होती है ना वो हमेशा सेम रहती है। अब जैसे ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट होता है, इन दोनों का मतलब होता है प्रसारण करना। ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट, इन दोनों का मतलब प्रसारण करना होता है। टेलीकास्ट लाइव प्रसारण होता है, ब्रॉडकास्ट होता है थोड़ा लंबे एरिया पूरे देश में प्रसारण करना, ब्रॉडकास्ट। टेलीकास्ट एक पूरे शहर में, जैसे कानपुर शहर में टेलीकास्ट हो रहा है, पूरे भारत में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बड़े एरिया में ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट छोटे एरिया। तो टेलीकास्टेड नहीं होगा ना ब्रॉडकास्ट होगा। फोरकास्ट भविष्यवाणी करना, जानते तुम लोग। अच्छा, ये CAST कास्ट, ये हमारा नाउन है, जाति होता है, वर्ग, क्लास। CAST कास्ट हमारा जाति है, वर्ग है, क्लास है, ध्यान। अच्छा, CST कास्ट कीमत होता है, कास्ट होता है कीमत। ओवर कास्ट होता है बादलों द्वारा चारों तरफ से छा जाना, घेर लेना, बादलों द्वारा चारों तरफ से कोई चीज़ छा जाना, घेर लेना, ओवर कास्ट कहलाएगा, ध्यान, ओवर कास्ट। अच्छा, इस कास्ट को समझते हैं हम लोग, CAST कास्ट, CAST कास्ट। वैसे कास्ट का जो मीनिंग होता है टू थ्रो होता है, टू थ्रो, टू थ्रो, टू प्रोजेक्ट। कास्ट का जो मीनिंग होता है टू थ्रो होता है, टू प्रोजेक्ट होता है, किसी चीज़ को थ्रो करना, प्रोजेक्ट करना। तो जैसे हमने लिखा इसको फेंक दो, कास्ट इट अवे, कास्ट इट अवे, हमने किसको फेंक दो, तो कास्ट इट अवे। अच्छा, कास्ट का एक और मतलब कास्ट ऑफ बोर्ड होता है, बोर्ड डालना, कास्ट ऑफ बोर्ड। कास्ट एन आई होता है नज़र डालना, कास्ट एन आई होता है नज़र डालना। कास्ट लाइट होता है प्रकाश डालना, कास्ट लाइट होता है प्रकाश डालना। रिकास्ट होता है फिर से किसी को खरीद लेना, रिकास्ट होता है फिर से किसी को खरीद लेना, तो रिकास्ट होता है फिर से खरीद लेना। स्टार कास्ट आता है बेटा, स्टार कास्ट, स्टार्स को दोबारा खरीद लेना, स्टार कास्ट। तो धारणा, इस प्रकार के टर्म्स आपको मिलेंगे कास्ट से, सुना धारणा, अच्छे से समझोगे तो आपको ध्यान रहेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, बड़े से पढ़ोगे पढ़ेगा लिखेगा। हाँ, देखो, द लेवल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपर्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन मैनी एवोकेशंस, द लेवल ऑफ द नॉलेज एक्सपर्ट स्किल्स मैनी एवोकेशंस। एवोकेशन, एवोकेशन,
एवोकेशन जो वर्ड होता है ना, एवोकेशन, करे द लेवल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपर्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन मैनी एवोगन। तो एवोकेशन का मतलब होता है पास टाइम, पास टाइम। एवोकेशन होता है जो मौज में काम किया गया हो, एवोकेशन होता है जो मौज में काम किया गया, हॉबी। एवोकेशन होता है पास टाइम या हॉबी। तो यहाँ पर एवोकेशन ही होगा, वोकेशन होगा ध्यान। अच्छा, जो वोकेशन होता है वो ऑक्यूपेशन होता है, वोकेशन जो होता है वो ऑक्यूपेशन होता है, जो वोकेशन होता है वो ऑक्यूपेशन होता है, इसी को हम लोग प्रोफेशन बोलते हैं। जो वोकेशन होता है वो ऑक्यूपेशन होता है और ये प्रोफेशन का काम करता है, वोकेशन ऑक्यूपेशन और ये प्रोफेशन होता है ध्यान, वोकेशन ऑक्यूपेशन और ये प्रोफेशन होता है ध्यान। तो अब यहाँ पर आपको बात करनी है कि वो जो उन्होंने क्या काम किया, सक्सेस में मैं नहीं, तो एवोकेशन पास टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो है बहुत सारे बिजनेस शुरू कर दिए होंगे, तो आप पर ए हटा दो वोकेशन हो जाएगा, ए नहीं आएगा वोकेशन हो जाएगा धन्य। एवोकेशन और वोकेशन में अंतर क्या होता है अपना समझना, एवोकेशन और वोकेशन। अब देखो फिर यहाँ कह रहा है द कंसल्टेड, ही कंसल्टेड द डॉक्टर, वर्ब के क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन समझना अपना, ही कंसल्टेड द डॉक्टर एंड वाज गिवेन एन ओरल। अब देखो जो वर्ड होता है ना ओरल, वैसे ओरल गलत है, यहाँ पर होना चाहिए ओरल, ओ आर एल। ओरल होता है रिलेटेड टू माउथ, ओरल होता है रिलेटेड टू माउथ। जो टेबलेट्स होते हैं पेनिसिलिन वो ओरल होते हैं खाने वाले। अच्छा, ओरल एक एडजेक्टिव टर्म्स होते हैं, इनको अपना समझना, ए यू आर एल, ओरल, ए यू आर एल। इसका मतलब होता है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू हियरिंग सेंस, ओरल होता है रिलेटेड टू हियरिंग सेंस। ओरल का मतलब रिलेटेड टू माउथ होता है, ए यू आर एल, ओरल होता है रिलेटेड टू हियरिंग। फिर एक बार मिलेगा ऑल फैक्ट्री, बड़ा अच्छा टर्म आता है ऑल फैक्ट्री, ओ एल या फेस सी टी। ऑल फैक्ट्री होता है रिलेटेड टू स्मेलिंग सेंस, ऑल फैक्ट्री होता है रिलेटेड टू स्मेलिंग सेंस, रिलेटेड टू स्मेलिंग सेंस ऑल फैक्ट्री कहलाएगा। अच्छा, फिर एक बार मिलेगा आपको गैस्टेटरी, 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 जी ए एस, गैस्टेटरी होता है रिलेटेड टू टेस्टिंग सेंस, रिलेटेड टू टेस्टिंग सेंस। वन वर्ड्स में बड़े जबरदस्त आते हैं क्वेश्चन ध्यान, हम आपको ये वर्ब के साथ साथ में वोकैब भी सिखा देंगे कि वर्ब के में कैसे वोकैब आते हैं, उसको अपना सीखना। गैस्टेटरी होता है रिलेटेड टू टेस्टरी सेंस, टेस्टिंग सेंस। फिर एक आपको वर्ड मिलेगा सेंसरी, सेंसरी रिलेटेड टू टचिंग सेंस, सेंस कैसे किया जाए, टच करके छू करके कैसे पता किया जाए, रिलेटेड टू टचिंग सेंस, टू डोंट टच माई घंघरिया गाना भी सुना है ध्यान को, वो टचिंग सेंस होता है, जैसे टच किया एहसास हो गया पड़ोसी को, तो रिलेटेड टू टचिंग सेंस। तो इस प्रकार के टर्म्स आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर ओरल हटा दो, ओरल लगा दो। तो ये चार क्वेश्चन आपको वर्ब के हमने डिस्कस किए हैं, जो आपको समझ आए होंगे कि इनमें क्या एरर हो सकती है, कैसी एरर हो सकती है, अपना सीखना समझ, सीख समझ लोगे तो काम आएगा, काम आएगा तो फिर सीख समझ लोगे, और जब सीख समझ लोगे तो काम आएगा, और जब काम आएगा तो सीखने का मन भी करेगा ध्यान। शुद्ध भाषा है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, आप सभी को नवाब बनना है। क्या बनना है बेटा? नवाब, नवाब कहाँ का नवाब बनना है, अब जहाँ का बनो बन जाओ। लेकिन तो ये हम लोगों के चार क्वेश्चंस हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में फाइव नंबर हमने लिखा, दिस बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग, दिस के सामने दैट कर दो, दैट बिल्डिंग, बिल्डिंग वॉज मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट एंड ऑफुल। दिख रहा है इधर, दिस बिल्डिंग वॉज मैग्निफिसेंट एंड ऑफुल, ये जो बिल्डिंग थी बहुत ही मैग्निफिसेंट और ऑफुल था। पहले क्वेश्चन लिखा ही हैड, क्वेश्चन लिखा ही हैड अ गिल्टी, अ गिल्टी
कंसाइंसियस गिल्टी कंसाइंसियस अबाउट हिज निफेरियस डिजायर, कंसाइंसियस अबाउट हिज निफेरियस डिजायर, अबाउट हिज निफेरियस डिजायर, अबाउट हिज निफेरियस डिजायर। फिर हमने क्वेश्चन लिखा, इट कैन नॉट बी अ मेयर कोइंसिडेंस, इट कैन नॉट बी अ मेयर कोइंसिडेंस दैट दे लेफ्ट एट द सेम टाइम। तो फिर हमने एक क्वेश्चन लिखा, हिज वॉइस वॉज रैदर डीप, हिज वॉइस वॉज रैदर डीप बट वेरी सेंसिबल, हिज वॉइस वॉज रैदर डीप बट वेरी सेंसिबल। तो ये चार क्वेश्चन हमने और आपके सामने लिखे हैं, थोड़ी सी पढ़िया और ऐड करो, लगाओ, देखते हैं हम इसमें जो है किस टाइप का क्या आपको मिलता है, क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता है। देखो सबसे पहले हम जो है जो शुरुआत अगर करते हैं तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही मतलब फाइव नंबर से ही करते हैं। फाइव नंबर्स क्या जगह बनाने के लिए लास्ट से ही शुरू करते हैं। एट नंबर, हिज वॉइस वॉज वेरी वॉज रेदर डीप बट वेरी सेंसिबल। अब आपको पता बट ये हमारा एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बट हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले एडजेक्टिव लगा वेरी डीप और इसके बाद भी एडजेक्टिव लगा सेंसिबल। अब हमें पता करना है डीप और सेंसिबल क्या होता है। अब उसके गहराई, उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही डीप थी और बहुत ज़्यादा सेंसिबल थी, तो जो आवाज़ होगी ना वो सेंसिबल नहीं होगा। सेंसिबल हमेशा पर्सन होता है, तो यहाँ पर सेंसिबल हटाओ, सेंसुअस कर दो। क्या कर दो बेटा? सेंसुअस, SENSUOUS। तो सेंसुअस कर लो, बाद बाकी यहाँ से समझ लो। वहाँ पर होगा वेरी सेंसुअस, बट यहाँ से समझो, सीखो, वहाँ से सेंसुअस कर लो और इधर समझ लो। आपको एक वर्ड मिलेगा सेंसिबल, सेंसिबल, सेंसिबल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है वेरी वाइज। सेंसिबल होता है वेरी वाइज, समझदारी से भरा हुआ, वाइज एंड प्रैक्टिकल। सेंसिबल होता है वाइज एंड प्रैक्टिकल। अच्छा, सेंसुअल एक टर्म होता है, इसका मतलब होता है प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव भड़काऊ। सेंसुअल का मतलब होता है प्रोवोकेटिव भड़काऊ। सेंसुअल फीलिंग्स होता है, सेंसुअल इमोशंस होती हैं, भड़काऊ निगेटिव टर्म होता है। ऐसी चीज़ें जो आपको सेक्सुअल चीज़ों को भड़का देती हैं, निगेटिव टर्म में आता। अच्छा, फिर इसमें एक वर्ड मिलेगा आपको सेंसुअस, एक वर्ड मिलेगा सेंसुअस, SENS, सेंसुअस। सेंसुअस का भी मतलब भावनाओं को भड़काना, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में आता है। सेंसुअस का भी मतलब होता है भावनाओं को भड़काना, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में आता है, ध्यान। तो सेंसुअल समझदार होता है, सेंसुअल और सेंसुअस होता भड़काना, लेकिन सेंसुअल निगेटिव होता है और सेंसुअल होता है पॉजिटिव। तो वहाँ पर रेदर जो है सेंसुअल ना होकर सेंसुअल हो जाएगा, उसकी डीप थी और लोगों को मतलब मन को बहुत ज़्यादा कुंठित कर दिया। इट कैन नॉट बी अ मेयर लिखा है, इट कैन नॉट बी अ मेयर। फिलहाल में आप कोइंसिडेंट मेयर को हटाओ और MERE मेयर कर दो, MERE मेयर। अब देखो एक वर्ड मिलेगा आपको मेयर, मेयर का मतलब होता है ओनली, जस्ट, बहुत ही नाम मात्र। MERE मेयर होता है ओनली, जस्ट और नाम मात्र।
अच्छा, फिर एक वर्ड मिलेगा मेयर। मेयर होता है फीमेल हॉर्स, अ फीमेल हॉर्स, घोड़ी जिसे बोलते हैं। मेयर होता है फीमेल हॉर्स। अच्छा, फिर आपको वर्ड मिलेगा मेयर, MAYOR, MAYOR। मेयर का मतलब होता है सभासद, म्यूनसिपालिटी का चीफ ऑफ द म्यूनसिपालिटी, सभासद। तो यहाँ पर जो है MAYRE मेयर ना होके MERE मेयर होगा, नाम होकर। एक बहुत ही छोटा कोइंसिडेंट था कि वो एक साथ घटित हो गया, ध्यान। तो मेयर का मतलब होता है नाम मात्र का, मेयर का मतलब होता है नाम मात्र का। अब देखो, इफ ही हैड अ गिल्टी कंसाइंसियस अबाउट हिज निफेरियस डिजायर, ही हैड अ गिल्टी कंसाइंसियस। अब देखो, कंसाइंसियस नहीं होगा, कंसाइंस होगा, कंसाइंस। अब क्यों होगा ये समझ लो, कंसाइंस क्यों होगा ये समझ लो। आपको जो वर्ड मिलेगा कंसाइंस, कंसाइंस होता है इनर वॉइस आर सोल, अंतरात्मा। कंसाइंस होता है अंतरात्मा, जो अंदर की भावना होती है, विवेक, उसे कंसाइंस बोलते हैं, कंसाइंस। अच्छा, फिर एक बार मिलेगा आपको कॉन्शियस। कॉन्शियस होता है अवेयर, बहुत ज़्यादा जागरूक। कॉन्शियस होता है अवेयर, होता है बहुत ज़्यादा जागरूक। कॉन्शियस, कॉन्शियस होता है अवेयर। फिर एक वर्ड मिलेगा आपको कंसाइंसियस। कंसाइंसियस का मतलब होता है अ पर्सन हु डज समथिंग, हु डज विद केयर, हु डज विद केयर। आप देखो, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, इनर वॉइस, अंतरात्मा से जो गवर्न व्यक्ति होता है उसे कंसाइंस बोलते हैं। कंसाइंसियस होता है, कॉन्शियस होता है जो है अवेयर, जागरूक, सतर्क। और कंसाइंसियस होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को बड़ा जो है केयरफुल्ली करता है, मन लगा के काम करने वाला। कंसाइंसियस वर्कर आते हैं, कंसाइंसियस वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो मन लगाकर काम करते हैं, तन मन धन से काम करते हैं। कंसाइंसियस वर्कर्स होते हैं ऐसे वर्कर्स जिस जो किसी काम को तन मन धन से करते हैं। तो इसको अपना ध्यान रखना बेटा बहुत अच्छे से, कि कंसाइंस क्या होता है, कंसाइंसियस क्या होता है, कंसाइंस क्या होता है और कंसाइंसियस क्या होता है। तो यहाँ पर आपको धारणा वर्ब के टर्म्स कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्ब के साथ साथ आपको वोकैब में भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। फिर देखो लिखा है द बिल्डिंग वाज मैग्निफिसेंट एंड आफुल। अब मैग्निफिसेंट होता है एंड आफुल, मैग्निफिसेंट तो बहुत अच्छा होता है, शानदार, जानदार, धमाकेदार, धुआंधार, बहुत ही अच्छा। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा। अब समझो, एक वर्ड मिलेगा आपको आफुल, आफुल। और फिर एक वर्ड मिलेगा आसम, आफुल और आसम, आफुल और आसम। ये दो एडजेक्टिव्स आते रहते हैं, दोनों का मतलब आप हिंदी में डालेंगे तो बहुत ही भयानक मिलेगा। लेकिन आफुल जो होता है ये निगेटिव टर्म होता है, ध्यान। आफुल जो वर्ड होता है ये निगेटिव टर्म होता है, और आसम जो होता है ये पॉजिटिव होता है। मतलब आसम प्लीजेंट के लिए आता है और आफुल अनप्लीजेंट के लिए आता है। मौसम बहुत ही अच्छा है, 26 जनवरी का समय है तो वहाँ पर अच्छा मौसम, लुकिंग ऑसम, धमाकेदार लग रहे हैं अच्छे मौसम में। लेकिन आफुल बहुत ही भयानक होता है, आफुल होता है बहुत ही भयानक। इसी का जो टर्म आता है ना, एक वर्ड आएगा टेरिबल, टेरिबल भी बहुत भयानक होता है, और इसका टर्म आता है टेरिफिक। दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन टेरिबल निगेटिव होता है, टेरिफिक पॉजिटिव होता है। टेरिफिक विक्ट्री आता है, टेरिफिक विक्ट्री, इट वॉज अ टेरिफिक विक्ट्री, टेरिफिक विक्ट्री फॉर, टेरिफिक विक्ट्री फॉर इंडिया, भारत के लिए बहुत ही अच्छी जीत थी। और टेरिबल विक्ट्री फॉर न्यूजीलैंड हो जाएगा, बहुत ही खराब। तो ध्यान, टेरिबल और टेरिफिक भी, तो आफुल और आसम में अपना ध्यान, आफुल हमारा निगेटिव टर्म होता है, तो वहाँ पर आफुल हटाओ और आसम लगा दो। बिल्डिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है तो फिर आसम होगी, आफुल नहीं होगी। बिल्डिंग अगर बहुत ही अच्छी है तो फिर आफुल होगी, आसम नहीं होगी। बिल्डिंग अगर बहुत ही अच्छी है तो फिर आफुल होगी, आसम नहीं होगी, ध्यान रखना।
अच्छी बिल्डिंग के लिए हमेशा आप। फिर हमने एक क्वेश्चन लिखा, 9 क्वेश्चन। सी इज हिज क्लोजेस्ट एंड सी इज हिज क्लोजेस्ट एंड कॉन्फिडेंट। सी इज हिज क्लोजेस्ट एंड कॉन्फिडेंट। 9 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सब अब देखो, अब हमने देखा सी इज हिज क्लोजेस्ट एंड कॉन्फिडेंट। वैसे तो ध्यान रखना, कॉन्फिडेंट जो टर्म होता है ना, ये एक नाउन होता है, एंड एक हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ना, ये फैनबॉयज होते हैं। कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस होते हैं, ये फैनबॉयज होते हैं। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, बाय से एट, यस से सो। ये सभी हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ध्यान। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, बाय से एट और सो से सो। अब जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, चाहे एंड हो चाहे बट हो, दोनों तरफ सेम कंडीशन आती है। अगर यहाँ नाउन है तो फिर यहाँ पर भी नाउन, यहाँ एडजेक्टिव है तो फिर यहाँ पर। अभी देखो, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। अब या तो हम इसे एडजेक्टिव करें और या इसे नाउन करें, तो ये सेंटेंस हमारा जो है उल्टा पुल्टा हो जाएगा। धन दोनों सेम फॉर्म में होने चाहिए, दोनों ही सेम फॉर्म में होने चाहिए। ध्यान, दोनों ही क्वेश्चन हमारे सेम फॉर्म में होने चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर सेम फॉर्म में होंगे तभी काम आएगा, नहीं तो फिर काम बिगड़ जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन हमारे सेम फॉर्म में होने चाहिए। ध्यान, अच्छा, कुछ आपको टर्म्स मिलेंगे वो हम लिख रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि नाउन, कुछ आपको नाउन मिलेंगे, कुछ आपको एडजेक्टिव मिलेंगे। नाउन और एडजेक्टिव, नाउन में जैसे हमने हेल्थ लिखा तो एडजेक्टिव हेल्दी हो जाएगा, हेल्दी। नाउन में अगर हमने हेल्थ लिखा तो एडजेक्टिव हेल्दी हो जाएगा। नाउन में अगर हमने रेशनल लिखा, रेशनल, तो ये रेशनल हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। नाउन में अगर हमने पर्सनल लिखा, पर्सनल, तो फिर ये पर्सनल हो जाएगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पर्सनल होता है। नाउन में अगर हमने रेस्ट लिखा तो फिर ये रिमेनिंग हो जाएगा। एडजेक्टिव में रिमेनिंग, नाउन में अगर हमने रेस्ट लिखा तो ये रिमेनिंग हो जाएगा। अच्छा, नाउन में अगर हमने ऑप्टिमिस्ट लिखा, ऑप्टिमिस्ट, तो फिर ये ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक। एडजेक्टिव इसका ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, ध्यान, ऑप्टिमिस्टिक। नाउन में अगर हमने फूल लिखा तो फिर ये हमारा फुलिस हो जाएगा, फुलिस। एडजेक्टिव हमारा फुलिस हो जाएगा। नाउन में अगर हमने कॉन्फिडेंट लिखा, कॉन्फिडेंट, तो फिर ये हमारा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। नाउन में अगर हमने डिपेंडेंट लिखा, डिपेंडेंट, तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। एडजेक्टिव हमारा डिपेंडेंट, एडजेक्टिव डिपेंडेंट हो जाएगा। नाउन में अगर हमने पेसिमिस्ट लिखा, पेसिमिस्ट, तो एडजेक्टिव हमारा पेसिमिस्टिक हो जाएगा, पेसिमिस्टिक। तो एडजेक्टिव हमारा पेसिमिस्टिक हो जाएगा, ध्यान, एडजेक्टिव पेसिमिस्टिक। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा? पेसिमिस्टिक।
तो ये हमारे कुछ वर्ब और एडजेक्टिव, मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ, आप चाहे वर्ब के टॉपिक समझ लीजिएगा, चाहे वोकैब का टर्म समझ लीजिएगा, चाहे एडजेक्टिव का टर्म समझ लीजिएगा, जो आपको समझ में आए वो अपना समझ लीजिएगा। डिस्कस वर्ब में हो रहा है, ध्यान रखना, और इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है अपना, लिख लेना बढ़िया से। ये टर्म्स हमारे नाउन है और ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। अब हेल्थ हमारा नाउन होता है, हेल्दी एडजेक्टिव होता है। रेशनल हमारे जिसमें ई होता है वो नाउन होता है, रेशनल ई वाला नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। पर्सनल हमारे कर्मचारी होते हैं तो पर्सनल व्यक्तिगत होता है। रेस्ट एडजेक्ट नाउन होता है, रिमेनिंग टर्म्स होते हैं एडजेक्टिव। ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्टिक जानते हो तुम लोग, फूल जानते हो नाउन होता है, फुलिस हमारा एडजेक्टिव होता है। कॉन्फिडेंट हमारा नाउन होता है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव होता है। डिपेंडेंट हमारा नाउन होता है, डिपेंडेंट एडजेक्टिव होता है। उसी प्रकार से पेसिमिस्ट। तो ये नाउन और एडजेक्टिव के टर्म्स आप अपने बढ़िया से सीखिएगा, अगर सीख लोगे तो काम आएगा। हालांकि एक क्वेश्चन इसमें जो दिया है कॉन्फिडेंट, इसमें दो टर्म आते हैं, कॉन्फिडेंटे भी आता है, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट, ये ई वाला फीमेल होता है ना, ई वाला जो है फीमेल के लिए भी आता है नाउन, ई वाला नाउन फीमेल के लिए आता है ना, कॉन्फिडेंट मेल आता है। तो हम इसको रफ किए दे रहे हैं और आप अपना नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग समझते सीखते हैं कि इसमें क्या है, समझते और सीखते हैं कि इसमें क्या है, ऐसा क्या है कि तो जो तुम्हें सीखना है। अब बहुत खोपड़िया एकदम खोल के बैठना बेटा, अलर्ट होके, नहीं तो खोपड़िया गर्म हो जाएगी, चुटिया खड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना। अब ये देखो यहाँ पर हमने लिखा सीज हिज क्लोजेस्ट एंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हमारा नाउन होता है, हालांकि इसको ई वाला होना चाहिए कॉन्फिडेंटे, अगर ये नाउन है तो इसे नाउन होना पड़ेगा। क्लोजेस्ट तो एडजेक्टिव होता है, नाउन होने लिए क्लोजेस्ट फ्रेंड कर दो, क्लोजेस्ट फ्रेंड, तो आंसर होगा सी इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर आप क्लोजेस्ट फ्रेंड कर दो, क्लोजेस्ट हटा दो और क्या कर दो बेटा, क्लोजेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट, क्लोजेस्ट फ्रेंड और कॉन्फिडेंट। अब देखो अगर ये 9 क्वेश्चन तुम्हारी खुपड़े में एडजस्ट हुआ है तो समझो, ना समझ में आया तो ज़्यादा हेडक नहीं लेना है। मोर स्टडी मोर टेंशन, नो स्टडी नो टेंशन, तो कम पढ़ो अधिक पढ़ो अच्छा पढ़ो। इसके लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं सामने, हमने लिखा ही इज ब्रेव बट फुल, हमने एक क्वेश्चन लिख दिया ही इज ब्रेव बट फुल, हमने एक क्वेश्चन लिख दिया ही इज ब्रेव बट फुल। अभी आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको पता है यहाँ पर देखो ब्रेव जो वर्ड लिखा है ब्रेव एडजेक्टिव है, बट हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फुल नाउन है, तो एडजेक्टिव और नाउन या तो हम इसको ब्रेवरी करें तो गलत, क्योंकि पर्सन है तो फुल हटाओ, फुलिस कर दो, ही इज ब्रेव बट फुलिस, ही इज ब्रेव बट फुलिस, ही इज ब्रेव बट फुलिस, ही इज ब्रेव बट फुलिस। तो अपना ध्यान रखना बढ़िया से कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे नहीं क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर हमने एक क्वेश्चन लिखा 11 नंबर, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। द एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर डिड वेल बाय हिज हार्ड वर्किंग, बाय हिज हार्ड वर्किंग ऑफ हिज एम्प्लॉयज, ऑफ हिज एम्प्लॉयज। हार्ड वर्किंग ऑफ हिज एम्प्लॉयज, अब देखो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ही हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी और कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस ही हमारा पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 11 नंबर तो क्वेश्चन हमारा सही है, 11 नंबर क्वेश्चन तो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 12, क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 12, 11 नंबर तो सही है, क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 12। अब देखो लिखा है द एम्प्लॉय डिड वेल बाय हिज हार्ड वर्किंग ऑफ हिज एम्प्लॉयज, बाय हमारा प्रेपोजिशन है,
हिज हार्ड वर्किंग इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो नाउन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन। अब देखो हार्ड वर्क, एक वर्ड मिलेगा आपको हार्ड वर्क और एक वर्ड मिलेगा वर्क हार्ड, हार्ड वर्क और वर्क हार्ड, हार्ड वर्क और वर्क हार्ड। जो हार्ड वर्क होता है ना, वर्क इसका नाउन होता है, हार्ड एडजेक्टिव होता है, तो ये हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। अच्छा, वर्क हार्ड जो होता है नाउन बन जाता है। अगर हम लिखेंगे हार्ड वर्किंग तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा, हार्ड वर्किंग, और अगर हम लिखेंगे वर्किंग हार्ड तो ये फिर नाउन फ्रेज बनेगा, वर्किंग हार्ड, तो ये नाउन फ्रेज बनेगा, क्योंकि आपको तो वर्क यहाँ पर नाउन है, हार्ड एडजेक्टिव है। अच्छा, वर्क यहाँ वर्ब है और हार्ड ये एडवर्ब है, तो ये वर्ब से बना हुआ टर्म हमारा वर्बल नाउन बनेगा, वर्किंग हार्ड। तो अब देखो प्रीपोजिशन लगा है बाई, बाई के बाद आपको पता है हार्ड वर्किंग नहीं आएगा, वर्किंग हार्ड आएगा, वर्किंग हार्ड। तो इसके बाद हमेशा आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्किंग नहीं होगा वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्किंग नहीं होगा वर्किंग हार्ड। तो ये 12 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए हैं, इन 12 क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। फिर हम देखो एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 3, ना चाहे ही गेव द इम्प्रेशन, ही गेव द इम्प्रेशन ऑफ, ही गेव द इम्प्रेशन ऑफ हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ही गेव द इम्प्रेशन ऑफ हार्ड वर्किंग, ही गेव द इम्प्रेशन ऑफ हार्ड वर्किंग। अब देखो ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन है, सेम कंडीशन है, हार्ड वर्किंग इसका जो है नाउन, हार्ड वर्किंग क्या है बेटा एडजेक्टिव फ्रेज, यहाँ पर होना चाहिए क्या नाउन फ्रेज, तो आंसर हो जाएगा वर्किंग हार्ड, ही गेव द इम्प्रेशन ऑफ वर्किंग हार्ड, ही गेव द इम्प्रेशन ऑफ वर्किंग हार्ड। फिर हमने एक क्वेश्चन लिखा, वर्किंग हार्ड पीपल हैव मोर चांसेस ऑफ सक्सेस, वर्किंग हार्ड पीपल हैव मोर चांसेस ऑफ सक्सेस। अब देखो बहुत अच्छे समझना बेटा, अब देखो ये पीपल हमारा नाउन है, नाउन पहले हमारा एडजेक्टिव फ्रेज आना चाहिए, लेकिन ये तो वर्किंग हार्ड पीपल तो नाउन होता है, अगर ये नाउन होता है तो फिर इसको चेंज कर दो और लिख दो हार्ड वर्किंग पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल, इसे चेंज करके लिख दो हार्ड वर्किंग पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, अपना बढ़िया से समझो कि हार्ड वर्किंग हमारा जो है नाउन फ्रेज होता है या एडजेक्टिव फ्रेज होता है, और वर्किंग हार्ड हमारा नाउन फ्रेज होता है, वर्किंग हार्ड हमारा नाउन फ्रेज होता है। अब देखो एक क्वेश्चन आपका आया था कहीं, शायद CPU का फिट है, लिखा है एज आ फिटनेस इंथुजियास्ट, एज आ फिटनेस एज अ फिटनेस एंथुजियाज्म, फिटनेस एंथुजियाज्म, एज अ फिटनेस एंथुजियाज्म, राम इज ऑलवेज प्रीचिंग, राम इज ऑलवेज प्रीचिंग टू हिज फ्रेंड्स अबाउट वर्क। उसमें देखो ऑप्शन था, अब यहाँ पर ये आपको इम्प्रूव करना है, ऑप्शन जो था इंथुजियास्ट था, इंथुजियास्टिक था और इंथुजियास्टिकली था, इंथुजियास्टिकली,
एंथुजियास्टिकली। एक नो इम्प्रूवमेंट था। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन जो है, समझो बताओ क्या होगा। अब देखो आई जब फिटनेस इंथुजियाज राम, अब राम की बात हो रही, अब ये पूरा हमारा एडवर्ब फ्रेज है। और आई जब फिटनेस इंथुजियाज, अब ये फिटनेस तो एडजेक्टिव है, अब यहाँ पर होना चाहिए नाउन, लेकिन नाउन होना कौन सा चाहिए, पर्सन का, ये तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बात पर्सन की कर रहे हैं, फिर इस कर नहीं कर रहा, वो कह रहा है एज अ फिटनेस इंथुजियास्ट, तो यहाँ पर इंथुजियाज्म नहीं होगा, क्या होगा, इंथुजियास्ट, इंथुजियास्ट वगैरह एज अ फिटनेस। अगर इस फ्रेज को फिट करना है तो फिटनेस एडजेक्टिव है, यहाँ पर जो एक टर्म आएगा इंथुजियास्ट नाउन, इंथुजियाज्म एक्शन होता है, इंथुजियास्ट पर्सन होता है, चूँकि एक वो इंथुजियास्ट पर्सन है इसलिए हमेशा लोगों को खुद के पास एनर्जी है, इसीलिए लोगों को दूसरों को एनर्जी देता रहता है, मतलब दूसरों को समझाता रहता है, बताता रहता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो ये अपना ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है, बड़े अच्छे दिमाग लगा के समझना सीखना, समझ सीख लोगे तो फिर काम आएगा, नहीं समझ सीख पाओगे तो फिर दिक्कत के अलावा कुछ नहीं। फिर देखो फिर लिखा द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड, द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड है एडमिटेंस, एडमिटेंस द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा 16 द पैसेंस, द पैसेंस सीम्ड, द पैसेंस सीम्ड क्वाइट रेशनल, क्वाइट रेशनल द पैसेंस सीम्ड क्वाइट रेशनल। फिर हमने लिखा द रेस्ट 20 क्वेश्चंस, द रेट 20 क्वेश्चंस डील विद द एडजेक्टिव्स, द रेस्ट 20 क्वेश्चंस डील विद द एडजेक्टिव्स। फिर हमने लिखा द फूल often ask, the fool often ask questions the fool often ask the question that the wise cannot answer, cannot answer that the wise cannot answer। अब देखो ये 18 क्वेश्चन हो गए हैं, ये 3-4 क्वेश्चन और हमने लिखे हैं, थोड़ी सी खुपड़िया आप एडजस्ट करिएगा और देखिएगा इसमें क्या है। तो ये क्वेश्चन में आपने दिमाग खुपड़िया यूज की होगी, इसमें देखो हमने लिखा है द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। अब देखो ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दें, पर्सनल आपको पता है ये एडजेक्टिव होता है, अब चूँकि सिक्योरिटी है तो यहाँ पर जो है इसका नाउन आना चाहिए, दूसरी बात पर्सनल व्यक्तिगत होता है और इसका जो सिनोनिम्स आएगा वो पर्सनल आएगा, पर्सनल होते हैं कर्मचारी, वर्किंग पीपल पर्सनल होते हैं कर्मचारी, द सिक्योरिटी पर्सनल जो सिक्योरिटी कर्मचारी था उसने जो है मना कर दिया भैया अभी आने, द सिक्योरिटी पर्सनल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16-17 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द फूल ऑफन आस्क क्वेश्चंस दैट द वाइज कैन नॉट आंसर। अब देखो यहाँ पर लिखा द वाइज कैन नॉट क्वेश्चंस, अब आपको पता है आर्टिकल द अलग है,
दा लगाए तब तो ये वैसे तो फुल नाउन होता है, फुल जो है नाउन होता है, वैसे जो है फुल जो है नाउन होता है। ये इस नाउन में हम दा लगा देंगे द फुल पर्सन, द फुल पर्सन, लेकिन नाउन में जब दा लगा देंगे तो इस किसी बात को डेफिनेट नाउन हो जाएगा, मतलब डेफिनेट नाउन हो जाएगा, और उस समय इस आस्क वर्ब में हमें यस लगाना पड़ेगा, आस्क, द फुल आस्क, द फुल आस्क, ये इसमें एरर। लेकिन फिर भी समझिएगा, अब यहां पर लिखा द वाइज, वाइज एक एडजेक्टिव होता है, वाइज, ब्लाइंड, पुअर, रिच, करप्ट, करप्ट, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। किसी भी एडजेक्टिव में आर्टिकल दा लगने से कॉमन नाउन बन जाते हैं, किसी भी एडजेक्टिव में आर्टिकल दा लगने से ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। ध्यान, जब ये कॉमन नाउन बन जाते हैं तो ये सभी, द वाइज मतलब द वाइज मैन इन जो है जनरल, द ब्लाइंड मतलब द ब्लाइंड मैन इन जनरल, ये बात करेगा। लेकिन इसमें हम नहीं बना सकते हैं कॉमन नाउन, ये तो ऑलरेडी नाउन है, उसमें यस लगाएं। अच्छा, जब हम सभी कॉमन की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें यस नहीं लगाएं, क्वेश्चन कर, क्योंकि पर्टिकुलर नाउन हो जाएगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर मूर्ख आदमी आता है तो किसी लोगों से पूछ देता, ऐसा नहीं, कोई भी मूर्ख आदमी बात कर रहा है, कोई भी मूर्ख आदमी बात कर रहा है, तो फिर फुल हटाओ, इसे फुलिस कर दो, द फुलिस, द फुलिस का मतलब ऑल फुलिस मैन, तो फुल हटाओ और कर दो फुलिस, क्योंकि फुलिस एडजेक्टिव होता है, फुल नाउन होता है, फुलिस एडजेक्टिव होता है और फुल नाउन होता है, फुलिस एडजेक्टिव होता है और फुल नाउन होता है, बेटा ध्यान, फुलिस एडजेक्टिव और फुल नाउन, फुलिस एडजेक्टिव होगा और फुल नाउन होगा। अब देखो लिखा है द रेस्ट 20 क्वेश्चंस, अब आपको पता है 20 क्वेश्चंस हमारा जो है नाउन है, रेस्ट भी नाउन होता है, ध्यान, 20 क्वेश्चंस हमारा नाउन है और रेस्ट भी नाउन होता है, तो अब इसका एडजेक्टिव आना चाहिए द रिमेनिंग 20 क्वेश्चन, द रिमेनिंग 20 क्वेश्चन। अगर रेस्ट यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो द रेस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन, द रेस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चन, ऑफ लगा के यूज कर सकते हो, ऑफ लगा कर यूज कर सकते हो, ना ना, ऑफ लगा कर यूज कर सकते हो, क्योंकि आप जो है 500 को 100 ग्राम। अब देखो फिर लिखेगा द पैसेंस सीम्ड, द पैसेंस सीम्ड क्वाइट, द पैसेंट, यहाँ पर पैसेंस नहीं होगा, द पैसेंट होगा, द पैसेंट सीम्ड क्वाइट रेशनल। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो द पैसेंट होगा, द पैसेंट सीम्ड क्वाइट रेशनल, द पैसेंट सीम्ड क्वाइट रेशनल। अब देखो ये जो क्वाइट है आपको एक टर्म मिलेगा QUIET क्वाइट, फिर एक वर्ड मिलेगा QUITE क्वाइट। ये जो क्वाइट होता है ये एडजेक्टिव होता है और ये क्वाइट एडवर्ब होता है, क्वाइट एडजेक्टिव होता है, क्वाइट एडवर्ब होता है। इस वर्ड का एडवर्ब जो होगा क्वाइटली होगा, क्वाइटली चुपके से, क्वाइटली होता है चुपके। अच्छा क्वाइट रेशनल जो है ये आपको पता है नाउन है, और ये रेशनल जो है ये एडजेक्टिव है। आपको पता है जो रेशनल वर्ड हमने यूज किया है यहाँ पर ये नाउन है, रेशनल क्या है, नाउन, रेशनल जो है ये नाउन है, रेशनल, QUIET क्वाइट और QUIT क्वाइट, इन दोनों को आपको समझने के लिए आपने देखा ये क्वाइट कंप्लीट होता है, इस क्वाइट मतलब कंप्लीट, और इस क्वाइट मतलब शांत होता है, इस क्वाइट का मतलब होता है शांत। अगर हम इस वर्ड को
क्वाइट करेंगे तो कंप्लीट रेशनल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये क्वाइट जो होता है ये एडवर्ब होता है। ये क्वाइट क्या होता है? एडवर्ब। ये जो क्वाइट है ये एडवर्ब है। नाउन के पहले आपको पता है एडवर्ब नहीं आना चाहिए, नाउन के पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव आना चाहिए तब तो फिर क्वाइट करो, QUIET। नाउन के पहले एडवर्ब नहीं, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो फिर हमें यहाँ पर क्वाइट करना पड़ेगा, QUIET, QUIET। फिर देखो, फिर हमने एक क्वेश्चन लिखा 19 नंबर, ही इज माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक, ही इज माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक, ही इज माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक। आपको पता है यहाँ पर 19 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और लिख दें, 20 हो जाएंगे तो आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा ही इज फूल बट, ही इज फूल बट इंटेलिजेंट, ही इज फूल बट इंटेलिजेंट। अभी दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, आप लोगों का जो कंसेप्ट है इसको क्लियर करते हैं। लिखा है ही इज माइंडलेस एंड ऑप्टिमिस्टिक, फिर लिखा है ही इज फूल एंड बट ऑटली। आप देखो ही इज माइंडलेस एंड ऑप्टिमिस्टिक, अब कह रहा है माइंडलेस और ऑप्टिमिस्टिक दो एडजेक्टिव हैं, दो एडजेक्टिव। अब आपको पता है एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव फॉर्म में जो है, ये प्रेडिकेटिव फॉर्म है, प्रेडिकेटिव फॉर्म में जब भी दो एडजेक्टिव एक साथ आते हैं उनके साथ एंड आना चाहिए, तो यहाँ पर आप एंड लगा दो खत्म हो जाएगा, या इसको एडवर्ब या तो एक हटा दो, माइंडलेस कर दो। अच्छा ही इज फूल बट इंटेलिजेंट लगा, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, फूल एक नाउन है, फूल एक नाउन है, एक एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट के साथ दोनों टर्म सेम होना चाहिए, तो आप इसको फूल हटाओ और कर दो फुलिस, फूल हटाओ और कर दो फुलिस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके थे, इन क्वेश्चंस में हमने कोशिश की है कि आपको कुछ चीज़ें जो है अच्छी चीज़ें मिल जाएं जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स हो, समझ में आए। और ये लॉजिकल टर्म के टर्म्स थे जो आपको सीखने पड़ेंगे, वर्ब के कंसेप्ट तो थे लेकिन वर्ब में आपको ये सीखना पड़ेगा कि वर्ब में वोकैब कैसे आती है, कैसे टर्म्स आते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहते हैं, आगे हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंद।